ये आकाशवाणी पोर्ट प्लेयर है। अब आप सुषमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ने कार्बाइन स्को के मौजूदा कूड़ा घर को कहीं और स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। हिंदी साहित्य कला परिषद की ओर से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा के सम्मान में कल संगोष्ठी का आयोजन किया गया और नील द्वीप में आयोजित हीरालाल क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रेवल चैलेंजर्स ने जीत लिया है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ने कार्बाइन को समुद्री तट के पास नगरपालिका परिषद की ओर से डाले जा रहे कचरे से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए प्रशासन के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उपराज्यपाल ने सुझाव दिया कि कार्बाइन को क्षेत्र पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए नगरपालिका परिषद को चाहिए कि कचरा डालने के लिए किसी और स्थान का चयन करें। उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि इस बारे में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। बैठक में उपराज्यपाल ने हैवलॉक द्वीप से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिया कि हैवलॉक द्वीप में वाहनों की संख्या अब नहीं बढ़नी चाहिए। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और उपायुक्त से कहा कि इस बारे में नियम बनाए जाएं। उन्होंने हैवलॉक द्वीप में पार्किंग स्थलों के विकास पर भी बल दिया। दक्षिण अंडमान के डॉलीगंज क्षेत्र से पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सोने के 14 सिक्के बरामद हुए हैं। बाजार में इनकी कीमत 4 लाख आंकी गई है। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उधर पोर्टब्लेयर में अवैध गांजा के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी शादीपुर मस्जिद के पास हुई। राजकुमार नाम का यह आरोपी पेशे से ड्राइवर बताया गया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह 2 दिवसीय दौरे पर कल कार निकोबार जा रहे हैं। अपने प्रवास के दौरान उपराज्यपाल बिग लपाती गांव में मॉक कैनो दौड़ देखेंगे तथा पाशा बीच का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा आदिवासी परिषद की ओर से तमालू गांव के सामुदायिक हॉल में आयोजित सांस्कृतिक समारोह में शामिल होंगे। हिंदी साहित्य कला परिषद पोर्टब्लेयर की ओर से कल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे प्रोफेसर डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा के सम्मान में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। नगर के 10 से अधिक कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम के आरंभ में परिषद के उपाध्यक्ष शंभुनाथ तिवारी ने अपने स्वागत संबोधन में साहित्य कला परिषद की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कवि गोष्ठी का संचालन करते हुए साहित्य सचिव डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी ने डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर उषा शर्मा के व्यक्तित्व और उनके रचना संसार के बारे में जानकारी दी। संगोष्ठी में डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा ने भी अपनी रचनाएं पेश की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में साहित्य में निखार लाने के लिए युवा रचनाकारों को लगातार लेखन प्रक्रिया से जुड़ना होगा। डॉक्टर श्रीमती उषा शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि द्वीप समूह और मुख्य भूमि के बीच दूरी होने के बावजूद साहित्यकार भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए परिषद के अध्यक्ष आरपी सिंह ने कहा कि परिषद मुख्य भूमि से आने वाले साहित्यकारों के सम्मान में कार्यक्रमों के आयोजन कर रचनाकारों के बीच वैचारिक और साहित्यिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन देना चाहती है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। नील द्वीप में आयोजित हीरालाल क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रेवल चैलेंजर्स ने जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल मैच में इसने कदमतला टीम को 48 रनों से हरा दिया। विजेता टीम के गेंदबाज करीम मैन ऑफ द मैच रहे। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कदमतला टीम के स्वपन ने हासिल किया। युवा मामले और खेल विभाग के निदेशक लुकस रॉबर्ट ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। पोर्टब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में कल युवा मामले और खेल विभाग की ओर से रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया। सेना को हराकर अंडमान निकोबार पुलिस ने ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर आम लोगों के अलावा पुलिस और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ने पुरस्कार वितरण किया। सुरेश बरोई ने क्षेत्रीय खेल परिषद की ओर से आयोजित पुरुषों का एकल टेबल टेनिस खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
आकाशवाणी खेल समाचार हिमांशु कांडवाल से सुनिए मुख्य समाचार। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 126 रन का लक्ष्य दिया।